स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से। बड़ी खबर सुकमा से मिल रही है जहां पर 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले इनामी नक्सली दंपत्ति भी शामिल हैं। नक्सली करटामी बादल पर 8 लाख का इनाम था और उसकी पत्नी कमली पर 5 लाख का इनाम था। इसके साथ ही 2 लाख के इनामी नक्सली भड़कम बीजू ने भी सरेंडर किया है। तो बड़ी खबर सुकमा से 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनामी नक्सली दंपत्ति भी इसमें शामिल है। नक्सली करटामी बादल पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। करटामी बादल की पत्नी कमली पर भी 5 लाख तक का इनाम घोषित था। तो 2 लाख का इनामी नक्सली भी उसने भी सरेंडर किया है। तो इन नक्सलियों का काफी आतंक था, दहशत का पर्याय नक्सली बन चुके थे और इन तीनों इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 लाख के इनामी नक्सली मड़कम बीजू ने भी सरेंडर किया है। एक दंपत्ति और मड़कम बीजू 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण सुकमा में किया है। तो बड़ी खबर सुकमा से बता रहे हैं जहां पर 2 लाख के नामी नक्सली मड़कम बीजू को सरेंडर कर दिया है। साथ ही एक दंपत्ति नक्सली ने भी सरेंडर किया है। 5 लाख और 3 लाख का इनाम इन पर था। तो जरा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, पुलिस लगातार जो ऑपरेशन चला रही है और जिस प्रकार से पुलिस को कामयाबी मिल रही है उसी देखते हुए नक्सली भी अब लगातार सरेंडर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ 226 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई थी कि एक नक्सली दंपत्ति और साथ ही एक जो 3 लाख का नक्सली इनामी था वो आज SP कार्यालय सुकमा में आकर अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किए। जी, शुक्रिया शिवा जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़